रुद्रपुर में कृषि विश्वविद्यालय पतंगनगर में 114वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह और कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कॉलेजों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर जानकारी ली और साथ ही राज्यपाल ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। इस मेले में कृषि यंत्र, बीज, पेड़ पौधे सहित 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। महामहिम राज्यपाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय समय समय पर किसानों के लिए इस मेले का आयोजन करता आ रहा है और इस मेले का उद्देश्य किसानों तक उन्नत बीज, अत्याधुनिक कृषि यंत्र और वैज्ञानिक तरीके से खेती की जानकारी मिल सके, जिससे किसानों की आय में इजाफा हो सके। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। इसमें हमारे फार्मर्स, इसमें हमारे साइंटिस्ट, इसमें हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इन सब में एक बहुत सुंदर तालमेल है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैंने देखा है कि जिस प्रकार से हमारे उत्पादन है, हमारे मिलेट के ऊपर में जोर है, हमारे किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट बनाए जाए, ये बहुत आपस में बहुत ही सुंदर तरीके से एक इंटीग्रेटेड फॉर्म के साथ किया जा रहा है। किस प्रकार हम रिसर्च और टेक्नोलॉजी को करके अपने किसानों के लिए एक क्रांति लाएं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। मकसद ये है कि किसानों की जो आय है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, किस प्रकार उनको एक अलग ही लेवल पे ले जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि हमको सबको इकट्ठे मिलकर एक सीड्स में क्रांति, एक हॉर्टिकल्चर में क्रांति और किस प्रकार एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है ये क्रांति मांग रहा है।